हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है, जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल, हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी, अगर नहीं की है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, एसओए विथ वेब सर्विस। हमने पहले भी देखा था एसओए में एक स्टैंडर्ड स्टैक होता है, एसओए के प्रिंसिपल, एसओए क्या होता है, एसओए फंडामेंटल ऑफ एसओए क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो की लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। एसओए में जैसे स्टैंडर्ड स्टैक होता है, जैसे यहाँ पे भी एक वेब सर्विस स्टैक होता है। जैसे एसओए स्टैंडर्ड स्टैक भी सर्विस की बेसिक इन्फॉर्मेशन रखता था, उसके कैसे मैनेज करते हैं, उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी सिक्योरिटी, कौन सा ट्रांजेक्शन, वो सारी चीज़ें एसओए स्टैंडर्ड स्टैक रखता है। अगर कोई वेब सर्विस है तो उसकी सारी डिटेल एसओए वेब सर्विस स्टैक रखेगा। लेट सी, एसओए वेब सर्विस स्टैक ये वो भी सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पास करते हैं, वो सारे डिटेल रखता है। एसओए स्टैंडर्ड स्टैक भी जैसे एसओए वेब सर्विस स्टैक भी वैसे ही इंफॉर्मेशन रखता है जैसे एसओए स्टैंडर्ड स्टैक रखता है, बट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चेंज होती है। लेट सी, हम एक डायग्राम एसओए वेब सर्विस का डायग्राम देखते हैं। ये एसओए वेब सर्विस का डायग्राम है जिसमें मैनेजमेंट है, जो कि सर्विस को कैसे मैनेज करना होता है वो डिस्क्राइब करता है। प्रेजेंटेशन लेयर है, सर्विस को कोई कॉम्प्लेक्स परफॉर्म हो रहा है तो उसे भी कैसे हैंडल करना है। बिजनेस प्रोसेस आर्किटेक्चर है, जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लेयर करता है वो बिजनेस में कौन कौन सी प्रोसेस किस तरह से होती है वो बताता है। सिक्योरिटी, वेब सर्विस कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो दिखाता है। रिलायबल मैसेजिंग, मैसेज पास ऑन सर्विस में कैसे होते हैं वो दिखाता है। ट्रांजेक्शन, सर्विस में कौन कौन से ऑपरेशन में कौन कौन से ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे हैं और वो सारे ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट है और उसके वो डेटाबेस में स्टोर होते हैं या नहीं। प्रोविजनिंग जो कि वेब स्टैंडर्ड स्टैक में नहीं था पर यहाँ पर है। प्रोविजनिंग वो कस्टमर को सर्विस कैसे यूज़ करता है उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। एड्रेसिंग, वेब सर्विस एड्रेसिंग आता है, जो सर्विस का एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसमें कौन से ऑपरेशन किस प्रकार से होते हैं उसके सारे एड्रेस प्रोवाइड करता है। डिस्कवरी एंड रजिस्टर वो भी एक सर्विस डिस्क्रिप्शन ही कंटेंट करता है, वो सर्विस डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड ही है। डिस्क्रिप्शन जिसमें भी विजडल वी एस पॉलिसी जिस जो पॉलिसी कंटेंट करता है, सर्विस की पॉलिसी किस प्रकार की है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर को फॉलो करने पड़ेंगे। मैसेजिंग, उसमें कौन कौन से प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और उसमें वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसको मैसेज किस वे से ट्रांसफर हो रहा है वो मैसेजिंग दिखाता है। ट्रांसपोर्ट, अब मैसेज पास ऑन करना है तो उसके लिए भी कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तो लगता ही, जैसे हम HTTP है, HTTPS है, SMTP है, फाइल ट्रांसफर करनी है तो FTP है जैसे। लेट्स सी वन बाय वन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वो मैसेज को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए सपोर्ट करता है। वो HTTP, HTTPS, SMTP, फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP जैसे प्रोटोकॉल अवेलेबल कराता है। मैसेजिंग, कोई भी मैसेजिंग हमें पास करना है तो उसके लिए हमें वेब सर्विस में SOAP XML रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन, वो वेब सर्विस का बेसिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसके इंटरफेस, उसका नेम, नंबर, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हुए वो सारे डिटेल। डिस्कवरी एंड रजिस्टर, ये भी सर्विस डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड ही है, जो UDDI रजिस्ट्री में जो भी सर्विस प्रोवाइड है उसके सारे डिटेल प्रोवाइड करता है। एड्रेसिंग, वेब एड्रेसिंग, वो कस्टमर को जो भी सर्विस चाहिए वो वेब सर्विस UDDI रजिस्ट्री में कैसे लोकेटेड है उसका एड्रेस प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी, अगर हम कोई सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथोराइजेशन की ज़रूरत होती है वो सारे सिक्योरिटी में आता है। और वेब सर्विस सिक्योरिटी वो भी एक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल भी कंटेन करता है। रिलायबल मैसेजिंग, अगर हमें कोई भी मैसेज पास करना है तो डिफरेंट टाइप की रिलायबल मैसेजिंग की टेक्निक होती है, जिसे MEP कहते हैं, मैसेज एक्सटेंड पीटर, उसके भी फ्रेमवर्क होते हैं वो रिलायबल मैसेजिंग कनेक्ट करता है। ट्रांजेक्शन, अगर सर्विस में कोई भी ट्रांजेक्शन
परफॉर्म हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है, डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, वो सारे ट्रांजेक्शन डेटाबेस में कंसिस्टेंटली स्टोर होने चाहिए। वो सारा काम ट्रांजेक्शन देखता है, प्रोवाइज नहीं। कस्टमर को अगर सर्विस के बारे में, सर्विस का यूज़ कैसे करते हैं ये नहीं पता, तो वो प्रोवाइज नहीं परफॉर्म करता है। बिजनेस प्रोसेस ऑटोडिक्शन, वो बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करता है, जिसमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लेवर भी होता है, जो पूरी बिजनेस प्रोसेस है उसे मैनेज कैसे करता है, कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करना है, वो सारे डिटेल रखता है। मैनेजमेंट, सर्विस हमने बना ली, सर्विस कंज्यूम भी कर ली, सर्विस प्रोवाइड कर ली, अब उसके बाद उसको मैनेज कैसे करते हैं UDDI रजिस्ट्री में, वो सर्विस मैनेजमेंट का काम है। प्रेजेंटेशन, अगर सर्विस में, वेब सर्विस में कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारी डिटेल प्रेजेंटेशन लेयर हमें बताता है, सॉरी प्रेजेंटेशन बताता है। थैंक यू।